प्रदेश में 18 जून तक आ सकता है मानसून। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर और शहडोल संभाग में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सिंगरौली में दर्ज किया गया। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम में नमी रहने के कारण आंशिक बादल बने हुए हैं। कुछ इलाकों में प्री मानसूनी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। अब सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी आगे बढ़ने के आसार है। हालांकि मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा हो रही है। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के जिलों में अभी भी तपिश बरकरार रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। बिहार पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर नागालैंड तक एक द्रोणिका बनी हुई है। वातावरण में नमी रहने के कारण आंशिक बादल बने हुए हैं। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है, लेकिन उमस बढ़ी हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के जिलों में अभी तापमान बढ़ा ही रहेगा।